साथ को आपको नमस्कार। आज बहुत शुभ दिन है। आप सबको स्वामी भारती कृष्णा तीरथ जी महाराज के जन्मदिन की बधाई। आज हम सब वैदिक गणित को पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना प्रारंभ कर सकते हैं। स्वामी जी ने हमें जो दिशा निर्देश दिया उसके अनुसार चलना ही हमारा कर्तव्य है। स्वामी जी की पुस्तक को गीता स्वरूप मानकर पढ़ना चाहिए। वैदिक गणित सूत्र और उपसूत्रों को वैदिक प्रार्थना माननी चाहिए। वैदिक गणित की प्रार्थना है, हमें ये सूत्र कंठस्थ होने चाहिए। हमारे गणित की कक्षा का प्रारंभ इस प्रार्थना से होना चाहिए और कक्षा का समाप्ति भी वैदिक गणित सूत्रों की प्रार्थना से होनी चाहिए। सूत्र हमें कंठस्थ हों, ये प्रारंभिक आदेश है। गणित सूत्र अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, पूरा विद्या क्षेत्र है। गणित सूत्र अपने आप में ऐसे मूल्यों को सन्निहित किए हुए हैं कि इनके अनुसार चलने पर हम वेद की शरण में पहुंच सकते हैं, वेद क्षेत्र में पहुंचा जा सकता है। ये वैदिक विद्या विधाओं का विधान है। वैदिक गणित के आधार पर ही ये प्राप्ति की जा सकती है। तो आइए हम देखें कि ये गणित सूत्र किस तरह से हमारे को क्रम अनुसार इस क्षेत्र में पहुंचाएंगे। वेद की विद्या श्री ओम की विद्या है, श्री ओम से ही हमें प्रारंभ करना चाहिए और गणित सूत्र को सूत्रों के क्रम अनुसार प्रथम सूत्र एका अधिकेन पूर्वेन के प्रथम शब्द एकाधिकेन के प्रथम वर्ण ए से प्रारंभ करना होगा। ये प्रथम वर्ण जो है ये छठा स्वर है, ये वर्ण है, ये मातृका है, इसलिए इसको योग निष्ठा के अनुसार छह स्पेस मानकर और सांख्या निष्ठा के अनुसार छह अंक मानकर प्रारंभ करना होगा। ये विद्या को छह अंक की विद्या कह सकते हैं, छह स्पेस की विद्या कह सकते हैं, छह सूर्य अंक है इसलिए इसको सूर्य की विद्या कह सकते हैं। सूर्य विष्णु लोक है इसलिए इसे विष्णु लोक की विद्या कह सकते हैं। विष्णु इसके देवता हैं इसलिए ये विष्णु विद्या क्षेत्र कह सकते हैं। ये विष्णु विद्या क्षेत्र से पहुंचने के लिए हमारे को गणित सूत्रों के आश्रित होना होगा। अब सर्वप्रथम आइए हम छः अंक की विशेषताओं को जानें। हमने देखा कि ये सूर्य अंक है, हमने देखा ये विष्णु लोक का अंक है, पर छः अंक को अगर हम देखें तो ये अब एक दो और तीन, इन तीन प्रॉपर डिवाइजर्स वाला अंक है। एक दो और तीन को योग छः बनाता है इसलिए ये परफेक्ट नंबर है। और छः फर्स्ट परफेक्ट नंबर है और इसकी यूनिकनेस ये है कि एक जमा दो जमा तीन छः है, तो एक गुणा दो गुणा तीन भी छः है। तो ये छः अकेला परफेक्ट नंबर है, पहला परफेक्ट नंबर है जिसमें प्रॉपर डिवाइजर्स की योग और प्रॉपर डिवाइजर्स का मल्टीप्लिकेशन
बराबर है। दूसरा परफेक्ट नंबर 28 है, ये ब्रह्म अंक है। जब हम दिव्य अंक व्यवस्था में जाएंगे तो ब्रह्म शब्द की मूल्यांकन मूल्य 28 होगा। तो 6 अंक जो सूर्य का अंक है, जो सूर्य लोक है, जो विष्णु लोक है, वहाँ से 28 जो कि ब्रह्म अंक है, जो कि सेकंड परफेक्ट नंबर है। तो सूर्य लोक से ब्रह्म लोक तक पहुँचना, सौर मंडल से ब्रह्मांड तक जाना, ये सौर मंडल और हमारा ब्रह्मांड किस तरीके से वैदिक गणित के मूल्यों के अनुसार विधि विधान विदित हुआ है, ये जानना हो तो हमें वैदिक गणित के सूत्रों में जाना होगा। 6 हमारा प्रथम परफेक्ट नंबर है, 28 हमारे पास दूसरा परफेक्ट नंबर है। ये परफेक्ट नंबर के प्रॉपर डिवाइजर्स 3 हैं, दूसरे के प्रॉपर डिवाइजर्स 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 7 और 14 हैं। यहाँ देखेंगे कि इसके प्रॉपर डिवाइजर्स 3 हैं और सबसे बड़ा प्राइम डिवाइज़र जो है वो भी 3 है। यहाँ पर जो प्रॉपर डिवाइजर्स हैं वो 5 हैं और सबसे बड़ा जो प्राइम प्रॉपर डिवाइजर्स है वो 7 है। इस ये व्यवस्था हमारे को आगे तीसरे परफेक्ट नंबर 496 जिसके प्रॉपर डिवाइजर्स 9 हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248, तो ये 9 प्रॉपर डिवाइजर्स हैं और इसमें सबसे बड़ा प्राइम डिवाइजर जो है वो 31 है। यहाँ हम अगर रुक कर देखें तो 6 सूर्य का अंक है, 28 ब्रह्म अंक है और 496 ये विष्णु का वाहन है, ये गरुड़ है। ये अंक व्यवस्था 4, ये दिव्य अंक व्यवस्था 9, ये दिव्य अंक व्यवस्था 6। तो ये विधि विधान, ये विधा, ये विद्या क्षेत्र हमें सूर्य से ब्रह्म तक और ब्रह्म से विष्णु, वाहन से अनंत की ओर ले जा रहा है। ये अनंत विद्या क्षेत्र है। तो इस अनंत विद्या क्षेत्र में कहाँ पहुँचेंगे हम, तो ये 6 अंक, ये 28, 496 और आगे हमारे पास होगा 8128। यहाँ पर प्रॉपर डिवाइजर्स 3 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 9 हैं और यहाँ पर 13 हैं। ये अगर हम देखेंगे तो गणित सूत्र और उपसूत्र में जितने भी वर्ण हैं उनकी जो दिव्य अंक व्यवस्था है वो 1 से 13 वाली है। तो इस तरह से गणित सूत्र के जो अंक हैं, गणित सूत्र 16 हैं, उपसूत्र 13 हैं और इनके अंदर कुल 36 वर्ण हैं और पूरी टेक्स्ट 519 वर्णों वाली है। ये विधि विधान, ये विद्या के क्षेत्र में हम प्रवेश करना चाह रहे हैं। हम 6 अंक से प्रारंभ करते हैं, इसके 3 डिवाइजर्स हैं और 3 ही सबसे बड़ा प्राइम डिवाइज प्रॉपर डिवाइज़र है। यहाँ पर 5 प्रॉपर डिवाइजर्स हैं और 7 सबसे बड़ा प्राइम डिवाइज़र है। तीसरे परफेक्ट नंबर में 9 प्रॉपर डिवाइजर्स हैं और 31 सबसे बड़ा प्राइम डिवाइजर्स है और फोर्थ परफेक्ट नंबर में 13 प्रॉपर डिवाइजर्स हैं और सबसे बड़ा परफेक्ट नंबर प्रॉपर डिवाइजर्स 27 है। आइए इनको दोबारा देखें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरह से ये कुल 4 हैं और इनका योग 10 है।
ये प्रॉपर डिवाइजेस का योग करेंगे जो कि 3, 5, 9 और 13 है, तो देखिए ये कितना बनता है, ये 30 बनता है। इसके बाद बड़े प्राइम प्रॉपर डिवाइजर्स को देखें तो इनका योग 168 बनता है। आइए हम इन नंबरों को, इन अंकों को, इस व्यवस्था को, इस पहुंच को दोबारा देखें, समझने का प्रयास करें। हमारे पास 4 प्रॉपर डिवाइजर्स हैं और 1 से 4 अंक का योग 10 है, तो हमें ये 1 से 10 तक के अंकों की विद्या के मार्फत, विद्या के साधन से हम इस पूरे विद्या क्षेत्र को जागृत करेंगे। तो 1 से 10 में एक ही परफेक्ट नंबर है, वो 6। 1 से 100 तक 2 परफेक्ट नंबर हैं, 6 और 28। 1 से 1000 तक 3 परफेक्ट नंबर हैं, 6, 28 और 496। और 1 से 10,000 तक हमारे पास 4 परफेक्ट नंबर हैं, 6, 28, 496 और 8,128। तो इसलिए हमारे पास 1 से 10 अंक को जानने के पश्चात 1 से 100 में और फिर 1 से 1,000 तक और फिर 1 से 10,000 तक हम जान पाएंगे, और ऐसा जान लेने से हम अनंत में पहुंच जाएंगे। अनंत शब्द जो है इसकी दिव्य अंक 23 है, जो कि सहस्त्र के बराबर है। सहस्त्र का शाब्दिक अर्थ है 1,000। तो हमारे को इस विद्या में पहुंचने के लिए व्यवस्था के स्वरूप में हमें केवल 1 से 1,000 तक पहुंचना चाहिए। इसमें पहुंचने के लिए हम 1 से 10 से प्रारंभ करके, जिसका परफेक्ट नंबर 6 है, से हम 1 से 100 तक के अंकों में, जो कि हमें 6 और 28 दो अंकों तक ले जाएगा, तो वो व्यवस्था तैयार हो जाएगी कि इस सौर मंडल में, ये जो सौर मंडल है, ये जो हमारा सोलर यूनिवर्स है, इसका व्यवस्था करने वाला जो ब्रह्मांड बनता है, वो ब्रह्मांड को जान लेने से, वैदिक गणित को जान लेने से, हम इससे आगे के क्षेत्र में स्वयं इस विधा के अनुसार पहुंचते चले जाएंगे। आइए अब हम देखें ये 30 अंक क्या है, कहाँ पहुँचाता है। 10 को हम 1×10 लिखेंगे और 30 को हम 3×30 लिखेंगे। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो एक शब्द है इसका दिव्य अंक 8 है, और जो त्रय है इसका भी दिव्य अंक व्यवस्था 8 है। किस तरीके से यही 10 30 में परिवर्तित होगा, वो हम जान पाएंगे इस विद्या क्षेत्र से। 30 जो है ये हमारे पास हाइपरक्यूब 8 है। हाइपरक्यूब 8 का मतलब है अष्ट प्रकृति है, मतलब 8 स्पेस तक हमें ये पहुँचाएगा, मतलब 6, 7, 8 और 9। ये डायमेंशन, ये बाउंड्री, ये डोमेन और ये ओरिजिन, 9 स्पेस ओरिजिन तक 6 स्पेस से पहुँचेंगे। जो हम 6 अंक से प्रारंभ करेंगे, जो प्रथम वर्ण से 6th vowel से प्रारंभ करेंगे, यही व्यवस्था हमारे को 9 अंक तक ले जाएगी, जो कि 9 अंक जो है ये नव ब्रह्म है। तो नव ब्रह्म तक ये विद्या पहुँचाने की क्षमता रखता है। और इस नव ब्रह्म को जानने से पहले अगर हम 8, 9 और 10 इन 3 अंकों को जानने का प्रयास करें, ये तीनों कंपोजिट नंबर्स हैं, और 1, 2 और 3 ये तीनों नॉन कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि इनका कोई डिवाइजर्स अदरवाइज नहीं है। इनको फर्स्ट प्राइम, इसको सेकंड प्राइम, ये फर्स्ट इवन प्राइम है, ये फर्स्ट ऑड प्राइम है, ये यूनिक ट्रिपल है। इसी तरीके से 8, 9 और 10 ये भी यूनिक ट्रिपल है। इन दो यूनिक ट्रिपल्स के लिए अगर हम अंत से प्रारंभ करेंगे तो हम कंपोजिट नंबर से प्रारंभ करेंगे, और अगर हम प्रारंभ से करेंगे तो हम नॉन कंपोजिट नंबर से, प्राइम से प्रारंभ करेंगे।
ये दो तरह से चलने का जो गुण है ये निखिलिन्न अवस्था चरमम दश्यता हमें दूसरे सूत्र में ले जाएगा, जिसका मतलब है 9 है और 10 है, सब कुछ 9 में और आखिरी 10 में। ये जानने की ज़रूरत है, ये समझने की आवश्यकता होगी। ये अगर हम 10 अंक बिंदु लेंगे तो इसके 9 गैप्स होंगे। ये समझने की ज़रूरत है, ये जानने की ज़रूरत है किस तरीके से जो डिस्क्रीट्स हैं इनसे कॉन्टीन्यूटी ऑब्टेन करनी हो इनके गैप्स को ब्रिज करना पड़ेगा। इसलिए ये हमें जानना पड़ेगा, ये हमारी समझ में आना पड़ेगा, ये हमें अपनी पकड़ में रखना पड़ेगा। इस पकड़ में रखने के लिए ही हमारे को वैदिक गणित में प्रवेश करना है। तो आइए हम देखें कि अगर एका अधिकेन पूर्वेन के पहले सूत्र के पहले शब्द एकाधिकेन को देखें तो इसका पहला वर्ण और इसके बाद दूसरा वर्ण, ये पहला वर्ण छठा स्वर है और ये का ब्रह्मा है जो कि चतुर्मुखी है। इस अंक की व्यवस्था 4 है, ये दोनों मिलकर 6 और 4 10 हैं। और निखिलिन्न अवस्था चरमम दश्यता के पहले दो वर्ण जो हैं इनकी व्यवस्था भी 10 है। इसलिए हमारे को जब हम सीक्वेंस से प्रारंभ करेंगे, 1 से प्रारंभ करेंगे और 10 में जाएंगे तो ये हमारे पास हाइपर क्यूब 2 आएगा और ये हमारे पास हाइपर क्यूब 3 आएगा। तो एकाधिकेन पूर्वेन की व्यवस्था पहले सूत्र में भी है और दूसरे सूत्र में भी है और इस तरीके से ये विद्या प्रत्येक सूत्र के साथ संयोग करता हुआ हमें आगे पहुंचाएगा। तो आइए हम जानें कि स्वामी जी ने हमें जहां तक पहुंचाया। तो दो बातें विशेष रूप से सामने आई, एक तो जो मॉडर्न माइंड था, जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है, जो मॉडर्न लॉजिक है, वो इस तरह का है कि वो बुद्धि का जो क्षेत्र जागृत करता है उसमें जो लॉजिक आता है, उसमें जो तर्क बनता है, वो तर्क हमें वैदिक गणित तक नहीं पहुंचा सकता। इसी कारण से जो पाश्चात्य वैज्ञानिक गणितज्ञ जो मॉडर्न माइंड की अप्रोच मॉडर्न लॉजिक से पहुंचे, वो गणित सूत्रों से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए और उनको कोई सेंस नहीं देखी, वो नॉनसेंस तक कहने के लिए उतावले हो गए और उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो स्वामी जी ने वैदिक विधा से मेडिटेशन के माध्यम से प्रवेश किया और इसके अंदर जो गणित है उसको जागृत करके उदाहरणों सहित हमें दिया। तो पहली बात जानने वाली ये है कि जो साधक वैदिक गणित क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं उनको वैदिक विधि से ही जाना होगा और वो विधि क्या है, वो है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से जाना चाहते हैं तो ही आप अपने बुद्धि के क्षेत्र को जागृत कर सकते हैं, तेजोमय कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसलिए पहली बात स्वामी जी की मानने वाली जो हमारे पास है कि हमें इस सूत्रों को इन सूत्रों के अनुसार, वैदिक विधा के अनुसार, वैदिक रीति के अनुसार, वैदिक प्रक्रिया के अनुसार मेडिटेशन के माध्यम से अप्रोच करना होगा। दूसरी बात जो स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से बताई कि अगर हमें 5x5 केवल इतने तक कंठस्थ कर ले, इसको स्मृति में रख ले, तो इसके पश्चात पूरा क्षेत्र जागृत किया जा सकता है। ये दो बातें हमें अपनानी होंगी। ये दो बातें अपना लेने के पश्चात हम वैदिक गणित के क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे और अगर हम वैदिक गणित के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले वर्णमाला को जानना होगा, क्योंकि ये शब्द
एका अधिकेन जैसे शब्द, कुल ऐसे 46 शब्द हैं, इन शब्दों को जानना होगा। उसके पश्चात हमें इनकी दिव्य अंक व्यवस्था जाननी होगी। दिव्य अंक व्यवस्था का जानने से हम पाएंगे कि ये हमें 6, 4, 2, 7, 2, 4, 6, 8 और 1, ये इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी इस टेक्स्ट की। और इस टेक्स्ट की ट्रांसलेशन के पश्चात हमें इसका स्थापत्य ज्योमेट्रिक फॉर्मेट जानने होंगे। तो ये हमारे को 6 स्पेस, 4 स्पेस, 2 स्पेस, 7 स्पेस, 2 स्पेस, 4 स्पेस, 6 स्पेस, 8 स्पेस और 1 स्पेस में पहुंचा देगा। ये ट्रांसलेशन होने के पश्चात हमें इसको योग में जाना होगा, इसमें हमें बॉडीज़ में जाना होगा। तो ये हाइपरक्यूब 6 होगा, हाइपरक्यूब 4, हाइपरक्यूब 2, हाइपरक्यूब 7, हाइपरक्यूब 2, हाइपरक्यूब 4, हाइपरक्यूब 6, हाइपरक्यूब 8 और हाइपरक्यूब 1। ये हमें ट्रांसलेट करने के पश्चात हमें ब्रह्मा जी के लोक में दूसरे अंक में जाने के लिए, हमें 4 स्पेस के माध्यम से जाने के कारण, 4 अंक की विधा में जाने के कारण हमें 2+2 और 2×2 और -2×-2 सभी 4 पहुंचते हैं, इसको विशेष रूप से जानना होगा। और ऐसा जानने के पश्चात हमारे को ये जो फुल यूनिट वाले हाइपर क्यूब्स हैं और हाफ यूनिट वाले हाइपर क्यूब्स में पहुंचना होगा। ये फुल यूनिट से हाफ यूनिट में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो हम इसको उपयोग में ला पाएंगे। आइए देखें कि जब हम इन अंकों का ग्राफ बनाते हैं तो ये 6, 4, 2, 7, 2, 4, 6, 8 और 1, इसको देखिए ये पैराबोलिक है। अगर अब इन अंकों को, पहले 3 अंकों को योग करें तो ये 12 है, जो कि ऋषि के बराबर है। ऋषि शब्द के दिव्य अंक व्यवस्था 12 है। अगर हम पहले 4 करें तो ये 19 है। तो ये हमारे पास छंद के शब्द के हैं। अगर हम 1, 8, 6 करें तो ये 15, ये स्वर के अनुसार है। और अगर हम इसको दोनों तरफ से निखिलिम व्यवस्था चर्म दोनों दिशाओं से जाएं तो यहाँ पर 7 इधर से भी 7, ये 26 होगा, जो कि देवता के अनुसार है। अगर हम ऋषि, देवता, छंद, स्वर का गणित का आधार गणित सूत्र 1 में पा लेंगे, अगर हम इसके समांतर हो जाएंगे तो हम वेद में प्रवेश करेंगे। वेद के ऋचा, जिसका के दिव्य अंक 8 है, जो कि 1 के बराबर है, तो हम अगर एक किसी भी ऋचा तक जाना है तो हमें उसका ऋषि जानना होगा, उसका देवता जानना होगा, उसका छंद जानना होगा, उसका स्वर जानना होगा। तो ये सब चीज़ें जानने के पश्चात ही हम वेद में प्रवेश कर पाएंगे। तो वेद में प्रवेश करने के लिए हमें गणित सूत्रों को सही रूप से अपनाना होगा। अगर गणित सूत्रों को हम सही रूप में अपना लें तो हम इनके आश्रय पर, इस गणित के आधार पर हम वेद में प्रवेश करेंगे। तो हमारा वैदिक गणित के विद्यार्थियों का संकल्प क्या है, हमारी वैदिक गणित के विद्यार्थियों की जिज्ञासा क्या है, हम वैदिक गणित के साधक क्या साधना करना चाहते हैं, हम वैदिक गणित के साधक क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम इसको जानने के लिए तो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना होगा कि हम अपने शरीर के बारे में क्या जानते हैं। ये शरीर जो है, ये 14 अंक दिव्य अंक वाला शब्द है। 14 अंक 2+3+4+5, ये हाइपरक्यूब 4 है। हाइपरक्यूब 4 4 स्पेस है, इसका देवता ब्रह्मा है। तो अगर हम ब्रह्मा के बारे में नहीं जानते तो हम अपने शरीर के बारे में नहीं जानते,
और अगर हम अपने शरीर के बारे में ही नहीं जानते तो मान लीजिए कि हम कुछ भी नहीं जानते। इसलिए साधकों, हमें जैसा कि स्वामी भारती कृष्णा तीर्था जी महाराज ने निर्देश दिया है, बताया है, समझाया है, हमारे समक्ष रखा है, उसके अनुसार ही हम अपने आप को उसी पथ पर ले चलें, उसी प्रक्रिया के अनुसार इस क्षेत्र में प्रवेश करें। और स्वामी जी ने जहाँ तक पहुँचाया है उससे आगे हम एक एक कदम से क्रमानुसार पहुँचे। उसके लिए हमें ये अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है कि स्वामी जी के पूरी ग्रंथ, उनके 16 ग्रंथ हमारे तक नहीं पहुँचे। ठीक है, नहीं पहुँचे, लेकिन स्वामी जी ने हमें जो गणित सूत्रों के क्षेत्र में प्रवेश करने का रास्ता बताया है वो तो जागृत है हमारे पास। जब हमारे पास चलने का रास्ता जागृत है तो चलना तो हमें ही होगा। आइए हम इस पर चलें। यहाँ मैं आप सब लोग से ये साझा करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हो रहे, दो प्रयासों का आपके समक्ष मैं रखना चाहूँगा। पहला, एक क्राउनिंग जेम पुस्तक विलियम जी ने लिखी है, वो हमें ये बतलाती है कि किस तरह से पैटर्न रिकॉग्निशन से हम आगे प्रवेश करेंगे। और दूसरा प्रयास राकेश भाटिया जी का है, जिन्होंने अपने थीसिस में स्वामी जी की डायरी पर रिव्यू स्वरूप में एक पूर्ण अध्याय दिया है। आइए हम भी प्रयास करें, आइए क्रम अनुसार चलें, आइए वेद को वेद की विधा के अनुसार चलें, आइए वैदिक गणित को वेद तक पहुंचाने वाले गणित के तौर पर अपनाएं, आइए हम भी इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। आपको पुनः पुनः स्वामी जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। आप वैदिक गणित सूत्रों को अपनाएं, प्रार्थना स्वरूप अपनाएं, इनको गीता स्वरूप माने और गणित सूत्रों से गीता का क्या संबंध है, गणित सूत्रों से हम किस तरह से वेद की संहिताओं तक पहुंच सकते हैं, किस तरह से जो हमारे पास वेद का साहित्य लुप्त हो चुका है, उपलब्ध नहीं है, उसको दोबारा कैसे जागृत करें, उसके लिए आइए हम संकल्प लें और इस ओर प्रयास करें। आपको पुनः पुनः धन्यवाद।